पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड उन समृद्ध राज्यों में से एक है जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी आना पसंद करते हैं। रांची से लगभग 100 किलोमीटर और लोह नगरी जमशेदपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां साल भर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। सरायकेला खरसावा जिले में स्थित चांडिल डैम एक अलग पहचान के कारण साल भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। सर बताइए कैसा लगा? बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खुशनुमा नज़ारा है यहाँ का। झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है ये चांडिल डैम, और हम सब यहाँ आकर के बोटिंग का लुत्फ उठाते हुए और यहाँ पर खाने पीने के भी तमाम सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं। मैं गुजारिश करूँगा आसपास की जितने भी टूरिस्ट है या फिर जितने भी सैलानीगण हैं यहाँ पे, वो सब कभी हमारे झारखंड में आए और हमारे चांडिल डैम का नज़ारा और लुत्फ उठाएँ। नाम बताओ। हमारी गैंग है, हमारे नाम इसकी नाम नवजोत है, इसका नाम अश्विनी है, मेरा नाम अमन है। रांची टाटा मार्ग पर स्थित चांडिल डैम को देखने और बोटिंग का आनंद लेने के लिए झारखंड के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक तो आते ही हैं, दूसरे राज्यों से भी सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। खास बात यह है कि चांडिल डैम घूमने वाले पर्यटकों की दिल ही ख्वाहिश होती है कि वो दोबारा यहाँ घूमने आए। आकाश गुप्ता है, बेसिकली मैं बिहार से हूँ, यहाँ पे घूमने ही आया हुआ था। आके काफ़ी अच्छा लगा है, बोटिंग वगैरह किया है हम लोगों ने। साइड में उधर कुछ घूमने के लिए भी बना हुआ है, पिकनिक स्पॉट भी है, उधर भी थोड़ा बहुत घूमा। बेसिकली मेन इंस्ट्रक्शन हम लोग का था बोटिंग में था, वो काफ़ी अच्छा रहा। ऊंचे पहाड़ों से चांडिल डैम का विशाल क्षेत्र हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ यही वजह है कि घर परिवार के लोगों को जब फुर्सत के पल गुजारने होते हैं तो वो चांडिल डैम घूमने का प्लान करते हैं। चांडिल डैम यहाँ का बोटिंग जो है मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। और यहाँ दूर दूर से बिहार, बंगाल, उड़ीसा से लोग यहाँ बोटिंग के लिए आते हैं और पिकनिक स्पॉट के लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं आकर के परिवार के साथ पिकनिक का आनंद लेते हैं। नाम सर अपना? शंकर गुप्ता। चांडिल डैम को सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के एक भाग के तौर पर जाना जाता है। आंकड़ों की बात करें तो डैम की लंबाई लगभग 720 मीटर है, वहीं जलाशय की कुल क्षमता 1963 वर्ग किलोमीटर है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए कर्मवीर की रिपोर्ट।